दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं इस साल का पहला फ्लैगशिप स्मार्टफोन। ये है सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा 5G और इस वीडियो में इसको अनबॉक्स करेंगे और इसका ओवरव्यू आपको दूंगा कि कैसा है ये फोन, इसकी खासियत आपको बताई जाएगी। इसका इनडेप्थ रिव्यू आएगा बाद में, लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें इसी वीडियो में समझाई जाएंगी। कुछ इस तरीके का मिनिमल से इसका बॉक्स है जिसपे 1,29,000 की प्राइसिंग है, लेकिन ये फोन इतना महंगा नहीं है, फोन इससे काफी सस्ता है। आप देख सकते हैं बॉक्स फिलहाल कम्प्लीटली पैक्ड है और काफी ज्यादा स्लीक कर दिया गया है। सैमसंग की ब्रांडिंग आपको मिलती है और नीचे लिखा गया है 256 GB वाला वेरिएंट है जिसमें आपको 12 GB की रैम मिलती है। लेफ्ट साइड में लिखा है गैलेक्सी और सामने है S21 जैसा कि आप देख सकते हैं। तो चलिए इसकी सील को जो है यहाँ पर ब्रेक करते हैं और आपको दिखाते हैं बॉक्स में क्या कुछ आपको कंटेंट मिल जाता है, कितना कुछ आपको सामान मिलता है। अच्छा, ये फ़ोन जो है 8.9 mm थिक है और इसका जो वेट है वो 227 ग्राम है, तो थोड़ा सा हैवी रहेगा। आईफोन के बॉक्सेस से कंपेयर करके दिखाऊं तो अभी थोड़ा सा ही जो है उससे ज़्यादा थिक है और इस के अंदर भी आपको चार्जर देखने को नहीं मिलता है, यानी आपके जो वॉल माउंट या पावर ब्रेक होती है वो नहीं मिलेगी, ना ही आपको ईयरफोन्स मिलेंगे, ना ही आपको मोबाइल कवर मिलेगा। तो आईफोन की तरह आपको सिर्फ एक चार्जिंग केबल मिलती है, कुछ इस तरीके का यहाँ पर काम करा है। मेरी समझ नहीं आता कि कभी भी एप्पल जो है ख़राब काम करता है जो कि जिससे यूज़र्स परेशान होंगे, वो हर एक कंपनी कॉपी कर लेती है और जो भी कोई अच्छा काम करता है तो ये कंपनीज कॉपी नहीं करती हैं। पर चलिए आपको दिखाते हैं बॉक्स में और कुछ क्या मिलता है। तो बॉक्स खाली ही हो गया है, पहले हमें हमारा फ़ोन मिला है जो कि थोड़ा सा हैवी लगा है पहली बारी में, लेकिन उतना ही प्रीमियम भी लगता है। चलिए नेक्स्ट चीज़ हमको मिलती है एक सिम इजेक्शन टूल और साथ ही अंदर आपको कुछ चीज़ें मिल जाएंगी, कुछ डॉक्यूमेंटेशन और जैसा कि मैंने बोला हमको हमारा केबल मिल जाता है। इतने सारे आपको पेपर्स मिलते हैं, अगर एनवायरनमेंट बचाना है तो इन पेपर्स को जिन्हें कोई भी नहीं पढ़ता सबसे पहले इनका यूज़ जो है बंद कर देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जबकि जो चीज़ यूज़ होती है चार्जर जैसी चीज़ें उन्हें कंपनीज़ ने निकाल दिया है, तो ये बहुत ही बड़ी स्टूपिडिटी है। लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो हाँ शायद फ़ायदा हो सकता है, पर उसके लिए आपको वायरलेस चीज़ें भी लानी चाहिए, आपको अपने वायरलेस पैड्स लाने चाहिए जिससे वो टेक्नोलॉजी आप लाओ ताकि लोग चार्जर के ऊपर डिपेंडेबल उतने ज़्यादा डिपेंडेंट ना रहे, तो कुछ ऐसा होना चाहिए। खैर बॉक्स में आप देख सकते हैं कि इतनी ही चीजें आपको मिलती हैं। बाकी ओवरऑल अगर डिजाइन के बारे में बात करी जाए तो काफी शानदार ये फोन लगता है। इसके पीछे कुछ स्टिकर्स हैं जिन्हें हटा देते हैं। मेरे पास है फैंटम सिल्वर कलर, एक फैंटम ब्लैक कलर भी आता है। इसी के साथ साथ इसमें आपको फैंटम टाइटेनियम, फैंटम नेवी और फैंटम ब्राउन कलर भी मिलेंगे, लेकिन ये बाद में आएंगे, फिलहाल दो ही कलर का ऑप्शन हमको मिलता है। ये कलर मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा और अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसी कलर को लिया है और आप देख सकते हैं कि काफी अच्छा लग रहा है। ये फोन जैसे ही आप हाथ में लेंगे आपको प्रीमियम तो कुछ ना कुछ महसूस जरूर होगा, तो डेफिनेटली आपको कुछ भी यहाँ पर चीप क्वालिटी नहीं मिलने वाली है। कैमरा मॉड्यूल जो है काफी बड़ा नजर आता है और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। राइट साइड में अगर देखें तो वॉल्यूम रॉकर्स मिलते हैं और पावर बटन आपको मिलता है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ एंटीना लाइंस ज़रूर देखने को मिल जाएंगी। इसी के साथ अगर मैं आपको दिखाऊं लेफ्ट साइड में तो सिर्फ एक एंटीना लाइन मिलती है, बाकी कम्प्लीटली लेफ्ट साइड क्लीन है। ऊपर आपको दो माइक्रोफोन मिलते हैं, इसी के साथ नीचे आपको मिलता है आपके चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर्स और सिम ट्रे, और ये जो सिम ट्रे है इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। चलिए देखिए क्या, काफ़ी सुंदर लग रहा है, डिज़ाइन देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, पीछे मैट फिनिश देने की कोशिश करी गई है और सैमसंग की ब्रांडिंग यहाँ पर नीचे की तरफ दी गई है। फोन जो है काफी शानदार नजर आ रहा है। यहाँ पर तीन बड़े बड़े कैमरा हमको मिलते हैं, एक्चुअली चार कैमरा मिलते हैं और पांचवा जो है वो हमको लेजर ऑटो फोकस के लिए एक अलग से मॉड्यूल दिया गया है, जिसके बारे में मैं अपने इनडेप्थ कैमरा रिव्यू में बात करूंगा, लेकिन इस वीडियो में भी आपको कुछ सैम्पल शॉट्स देखने को मिलेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। चलिए आपको दिखाते हैं कि फ़ोन में जो है काफ़ी सारी चीज़ें हमको मिलती हैं। 256 GB की स्टोरेज, 12 GB की रैम मैं आपको बता चुका हूँ। इसी के साथ साथ जो है कैमरा के बारे में हम बात करने ही वाले हैं, तब तक के लिए आपको बता देते हैं कि इसमें स्टीरियो स्पीकर्स आपको मिलते हैं जो कि काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। और अगर मैं डिस्प्ले की बात करूँ तो ये एक डायनामिक एमोलेड स्क्रीन है जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आती है और HDR 10 प्लस ये डिस्प्ले है जिसकी पीक पे जो ब्राइटनेस जाती है वो 1500 निट्स तक जाती है। मगर ये जो 1500 निट्स है ये सिर्फ HDR कंटेंट पे होता है और नॉर्मली ये जो है 600 निट्स की डिस्प्ले है। ऐसे ही आईफोन में होता है, वो 1200 निट्स तक पीक पर जाती है, लेकिन सिर्फ HDR के दौरान। खैर आपको यहाँ पर बताएं कि आपको यहाँ पर ट्रू टोन डिस्प्ले जैसी एक टेक्नोलॉजी भी मिलती है जो कि आपके ब्लू लाइट फिल्टर की तरह काम करती है, तो ये अब अडेप्टिव कर दिया गया है, यानी आसपास के जैसे
ऑटो ब्राइटनेस काम करती है, इसी तरह से आपकी जो ब्लू लाइट फिल्टर है वो कितनी इंटेंसिटी का होगा वो ऑटोमेटिकली फोन जज कर लेगा। साथ ही आपको सैमसंग डेक्स का सपोर्ट मिलता है वायर्ड और वायरलेस आपके पीसी के साथ या फिर एक किसी भी एक्सटर्नल मॉनिटर के साथ या टीवी के साथ, तो वो काफ़ी अच्छी बात यहाँ पर हो जाती है। इसके ऊपर ये जो टॉपिक है डेक्स, ये अपने आप में एक वीडियो को डिजर्व करता है। अगर एक भी इंसान मुझे कमेंट सेक्शन में ये रिक्वेस्ट करता है कि मैं सैमसंग डेक्स के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो आपको वो वीडियो ज़रूर मिलेगी। अच्छा, नई चीज़ ये है कि आपको यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डर जो है वो पहले से ही मिलता है, और वन यू आई थ्री में जैसे ही आप अपने पुराने सैमसंग फ़ोन्स को भी अपडेट करेंगे तो शायद आपको स्क्रीन रिकॉर्डर का जो एग्जिस्टिंग सैमसंग की तरफ से आता है वो ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इस फोन में हमको Exynos 2100 का प्रोसेसर मिलता है। ये 5 नैनोमीटर का प्रोसेसर है और काफ़ी फास्ट है, काफ़ी अच्छा है। ये प्रोसेसर जो है ऑब्वियसली 5G इनेबल्ड है और आप दोनों सिम कार्ड्स पर 5G को यूज़ कर पाएंगे। लेकिन एक कॉन ये है कि आप सिर्फ दो सिम कार्ड यहाँ पर लगा सकते हैं, अब माइक्रो SD कार्ड का कोई भी ऑप्शन नहीं है। अच्छा, फेस रिकग्निशन यहाँ पर काफ़ी अच्छे से चलता है, और अगर मैं बात करूँ अल्ट्रासोनिक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो ये भी काफ़ी अच्छे से चलता है। इनफैक्ट अगर आप पानी में भी इसको ले जाएँ तो ये बड़े ही आराम से काम करता है। कंपैरिजन अगर आपको दिखाऊं साइज का आईफोन 12 प्रो मैक्स के साथ, तो आप देख सकते हैं कि ये उससे भी ज्यादा बड़ा है साइज में। इनफैक्ट S20 अल्ट्रा से अगर कंपेयर करूं तो ये जो नया डिजाइन है काफी फ्यूचरिस्टिक लगता है, काफी प्रीमियम लगता है और मुझे काफ़ी पसंद आया है। पुराने डिज़ाइन से आप देख सकते हैं अगर कंपेयर करा जाए तो बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट है, और वाकई में काफ़ी अच्छा ये फ़ोन जो है लगता है, जेन्युइनली प्रीमियम लगता है। अच्छा, कैमरा की बात करें तो यहाँ पर आपको जैसा मैंने बताया काफ़ी सारे कैमरा जो मिलते हैं सेंसर मिलते हैं। 108 मेगापिक्सल का F1.8 अपर्चर के साथ कैमरा मिलता है, 2 10 मेगापिक्सल के F4.9 और F2.4 अपर्चर के कैमरा मिलते हैं, और एक 12 मेगापिक्सल का F2.2 अपर्चर के साथ कैमरा भी मिलता है। इसमें आप 8K रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 24 FPS तक, और सिंगल टेक फोटो वीडियो सुपर स्लोमो वीडियोस जैसे ऑप्शन आपको मिलते हैं। वीडियो में जो आप मैक्सिमम जूम ले जा सकते हैं वो 20 टाइम्स तक ले जा सकते हैं। 100 टाइम जूम ले जाने के लिए आपको फोन को नॉर्मल मोड में चलाना होगा। 100 टाइम जूम आप 108 मेगापिक्सल पर भी नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा कैच हो जाता है। अगर आपको 108 मेगापिक्सल पर मैक्सिमम जूम जानना है तो 6 टाइम जूम आपको वहाँ पर मिलता है। बाकी नॉर्मल जो अगर हम फोटोज़ ले रहे हैं तो वहाँ पर 100 टाइम जूम भी मिलता है। प्रोमोड में आपको सारे ही ऑप्शंस मिल जाते हैं। इनफैक्ट प्रोमोड में भी आपको टेलीफोटो लेंस का या वाइड एंगल लेंस में स्विच करने का ऑप्शन जो है मिल जाता है। इसी के साथ बाकी सारे फीचर्स से तो आप वाकिफ हैं, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग जो फीचर है वो है ये डायरेक्टर्स व्यू वाला। अब यहाँ पर आपको सारे ही कैमरा, जितने भी फ़ोन में कैमरा है ना, चारों कैमरा एक साथ आपको उनका लाइव प्रीव्यू मिलता है, और ये मुझ जैसे कॉन्टेंट क्रिएटर्स के लिए अगर आप भी कुछ इस तरीके का काम करते हैं तो आप लोगों के लिए काफ़ी हैंडी होने वाला है, क्योंकि आप रियल टाइम स्विच कर सकते हैं अलग अलग कैमराज में और उनका रियल टाइम प्रीव्यू भी देख सकते हैं, ताकि स्विच करने से पहले आपको पता हो कि आपके फ्रेम में आपको क्या कुछ मिल रहा है। इनफैक्ट जो लोग व्लॉगिंग करते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी हैंडी हो सकता है, तो मुझे ये फीचर काफ़ी पसंद आया है। कैमरा क्वालिटी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी है, मैंने कुछ फोटोग्राफ्स ली हैं अलग अलग लाइटिंग कंडीशन में, और आप देख सकते हैं काफ़ी डिटेलिंग है, काफ़ी अच्छी लग रही है। पोर्ट्रेट मोड में भी, यानी लाइव फोकस जो अगर सैमसंग बोलता है, तो उसमें भी काफ़ी अच्छी फोटोग्राफ्स आई हैं, और काफ़ी सारे डिफरेंट मोड्स भी आपको लाइव फोकस में मिलते हैं। फ्रंट में 40 मेगापिक्सल का हमको कैमरा मिलता है, जिससे हम 4K रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। अब आप देखिए कि 108 मेगापिक्सल पे मैं सिर्फ 6 टाइम जूम कर पा रहा हूँ, लेकिन जब मैं नॉर्मल मोड में आऊँगा तो यहाँ पर मैं आपको 30 टाइम जूम भी कर पाऊँगा, जैसा कि यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। इनफैक्ट 100 टाइम जूम भी मैं कर पाऊँगा, जो काफ़ी हद तक क्लियर होगा और काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये काफ़ी शानदार बात हो जाती है। कैमरा की बात करें तो काफ़ी हद तक हमें रियल फोटोग्राफ्स मिल रहे हैं। कलर सैचुरेशन जो है वो काफ़ी सही है, कलर प्रोडक्शन काफ़ी सही है, और मुझे ये बात ओवरऑल काफ़ी पसंद आई है। आईफोन 12 प्रो मैक्स के साथ अगर आप कंपेयर करें तो लगभग बराबर की ही यहाँ पर कैमरा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलती है, लेकिन एक जगह यानी मैक्रो शॉट्स में, जैसा कि आप देख सकते हैं, सैमसंग के डिवाइस जो हैं काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि आईफोन 12 प्रो मैक्स का सेंसर काफ़ी ज़्यादा डीप है, काफ़ी बड़ा है, उसकी वजह से मैक्रो शॉट्स नहीं ले पाता है। बाकी चीज़ें इंक्लूड करूंगा कंप्लीट कैमरा रिव्यू में। इसी के साथ मैं आईफोन 12 प्रो मैक्स के साथ इसका एक इनडेप्थ कंपैरिजन बनाने वाला हूं, जहां पे स्पीड टेस्ट से लेके परफॉर्मेंस से लेके कैमरा से लेके हर एक बात इंक्लूड करी जाएगी। चलिए, इस फोन में आप यूज कर सकते हैं एस पेन का भी, यानी आपके पास कोई भी एग्जिस्टिंग एस पेन है आपके किसी भी नोट डिवाइस का या टैबलेट का, जैसे कि मेरे पास है, टैबलेट का भी है और नोट डिवाइस का भी है, तो आप वो यूज कर पाएंगे, और सारे ही जितने फीचर आपको एक नोट डिवाइस में मिलते हैं यानी नोट सीरीज के फोन में मिलते हैं वो
सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आप कुछ भी लिख सकते हैं, कहीं से भी टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, आपके नोट्स बना सकते हैं, आप लाइव मैसेजेस भेज सकते हैं, आपको जो भी एक एस पेन वाले फीचर्स होते हैं वो सब मिल जाएंगे। और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि 5G आप दोनों ही सिम कार्ड पर यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर आपको मैक्सिमम बैंडविड्थ वाला 5G मिलता है, तो यानी फ्यूचर प्रूफ फ़ोन है और 120 हर्ज वाली डिस्प्ले के साथ आता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। एस पेन की फर्दर कस्टमाइजेशन आप सेटिंग में जाके कर सकते हैं, तो वो भी आपको बता देते हैं। इसी के साथ साथ सेटिंग में आपको सैमसंग डेक्स लिंक टू विंडोज़ जैसे कुछ नए फीचर्स भी मिलते हैं। एक्चुअली पहले भी थे लेकिन कुछ कस्टमाइजेशन कर दी गई हैं और कुछ ज़्यादा इनडेप्थ चीज़ें करी गई हैं जिन्हें हम बाद में इंक्लूड करेंगे। इसी के साथ यहाँ पर आपको एंटीवायरस भी मिलता है जो कि मैक कैफे की तरफ से पावर्ड है। बहुत से लोग ये कमेंट सेक्शन में पूछते हैं इसलिए मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। कुछ नए वॉलपेपर्स के साथ आता है, एंड्रॉइड 11 के साथ आता है, वन यूआई 3.1 के साथ आता है, अच्छी बात हो जाती है। 5000 mAh की इसमें हमको बैटरी मिलती है और मैंने लगभग सारी चीज़ें इस वीडियो में इंक्लूड कर ली हैं। थोड़ा जल्दी मैंने आपको सारी चीज़ें बताने की कोशिश करी है, जितनी ज़्यादा बता सकता था। बाकी जैसा मैंने आपको बताया कि इस फ़ोन को काफ़ी लंबा मुझे टेस्ट करना है और इस साल का पहला फ्लैगशिप है, तो देखना तो बनता है कि कैसा होगा। तब तक के लिए अगर आपको S20 Ultra की वीडियो देखनी है, Note 20 Ultra की वीडियो देखनी है, iPhones की वीडियो देखनी है, तो वो सारी ही वीडियोज़ आप हमारे चैनल के ऊपर देख सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। बाकी इस फ़ोन को हम और भी ज़्यादा टेस्ट करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है। इसकी प्राइसिंग है करीबन 1,06,000 रुपये, लेकिन बहुत सारे डिस्काउंट्स के साथ ये आपको काफ़ी सस्ता भी मिल जाता है। स्पेशली अगर आपने प्री बुक कराया होगा तो आपको बहुत सारे फीचर्स जो है और मतलब ऑफर्स जो हैं आपको यहाँ पर मिले होंगे, तो वो काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। तो IP68 सर्टिफिकेशन के साथ आने वाला ये फ़ोन जो है काफ़ी पावरफुल है, मेरी नज़रों में आपको ज़रूर लेना चाहिए। फिलहाल के लिए रखते हैं वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मेरा नाम है सूर्यांश, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टेक केयर, बोलते बात मत की। जय जय हिंद।